हर माता पिता की लाइफ में उनका यही मकसद होता है कि उनके बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना छूटे। पेरेंट्स बनने के बाद ज्यादातर कपल अपनी पूरी जिंदगी उन कोशिशों को करने में बिता देते हैं जो उनके बच्चे के विकास के लिए जरूरी होती है। बच्चे का भविष्य में व्यवहार कैसा होगा, इसमें कहीं ना कहीं परवरिश का अहम रोल होता है। वैसे बच्चों की उम्र में ऐसा दौर आता है जिसे किशोर अवस्था कहा जाता है। टीनेज यानी किशोर अवस्था वाले बच्चों को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इस उम्र में बच्चा खुद को बड़ों की तरह समझने लगता है और वह उसे किसी भी तरह की रोक टोक या नियम इरिटेट करने लगते हैं। पेरेंट्स बच्चे पर अपना हक जमाने के चक्कर में उसे हर समय समझाते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में नेगेटिविटी बनने लगती है। पेरेंट्स अच्छी परवरिश के चक्कर में उसे सीख देते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह चीजें बच्चे के चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाए। कभी कभी बच्चे घर में ही बागियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस लेख में हम आपको उन ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो आपके बागी बच्चे को संभालने में आपकी मदद कर सकता है। हर सिचुएशन में रहे शांत। टीनेज में बच्चे खुद को स्मार्ट समझने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पेरेंट्स का दिया हुआ ज्ञान पुराने जमाने का है। कई बार पेरेंट्स और बच्चे की ईगो बीच में आने लगती है और ये झगड़े या नेगेटिविटी का कारण बनने लगती है। इस सिचुएशन में आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह व्यवहार करना चाहिए। शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें, रूल्स बनाएं। हो सकता है कि आपका बच्चा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आपको या आपकी बोली हुई चीजों को नजरअंदाज करने लगे। बच्चे पर सख्ती अच्छी नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह ढील देना भी ठीक नहीं है। घर में माहौल को बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स बनाएं। बच्चों को रूल्स बताने के साथ साथ इन्हें बनाए जाने की वजह भी बताएं। उसे निर्देश दे कि इनका पालन करना कितना जरूरी है। ऐसे में बच्चा ये समझ पाएगा कि उसे कब और कहां कैसे व्यवहार करना है। खुद की काउंसलिंग। टीनेज में बच्चों के खराब व्यवहार पर पेरेंट्स उन्हें काउंसलिंग तक दिलवाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि काउंसलिंग की जरूरत आपको भी हो। हर बार किसी भी सिचुएशन में बच्चे को जिम्मेदार ठहराना गलत साबित हो सकता है। ऐसे में आपको मैच्योर होकर व्यवहार करने की जरूरत है। आप उन कारणों की तलाश करें जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल इस वीडियो से संबंधित है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब तुरंत मिलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे चैनल पर पेरेंटिंग, करियर, बिजनेस, हेल्थ आदि की नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।